हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए स्टार्ट करने वाले हैं और जो बुक हम फॉलो करने वाले हैं वो है संदीप गर। इस बुक की हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर की अनसॉल्व प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं या फिर पर्सनली पूछ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए फटाफट जाइए और फॉलो कीजिए और फटाफट क्वेश्चन पूछिए। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो हमारे इकोनॉमी में चार सेक्टर्स है टोटल और उन चार में से हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, फिर फॉर्म, फिर गवर्नमेंट और फॉरेन। तो हमें टू सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ना है, यानी कि हाउस होल्ड और फॉर्म। थोड़ा सा हाउस होल्ड और फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो हाउस होल्ड जो है, मान लीजिए कि हम अगर हाउस होल्ड फॉर्म को क्या क्या दे सकते हैं, हम लैंड दे सकते हैं, लेबर दे सकते हैं, कैपिटल दे सकते हैं, एंटरप्राइज दे सकते हैं, यानी कि एंटरप्रेनर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो फॉर्म उसके बदले में हमें क्या दे सकता है? तो फॉर्म हमें उसके बदले में लैंड के बदले में रेंट दे सकता है, लेबर के बदले में वेजेस दे सकता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और उसी तरीके से एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेनर को प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से हमारे इकोनॉमी में इनकम जो है ना वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये किसको प्रोवाइड करवाता है? हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करवाता है। उसके बदले में फर्म क्या देता है हमें, फर्म हमें देता है फैक्टर पेमेंट, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। फिर जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं, फैक्टर पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर उसी पेमेंट से हम क्या करते हैं, हम कुछ कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं किससे, फर्म से, यानी कि जो पैसा हमें मिला था वो पैसा वापस से दोबारा फर्म के पास चला गया। फिर फर्म हमें उसके बदले में क्या देता है, फर्म हमें उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता है। और इसी तरीके से इनकम जो है वो हमारे इकोनॉमी में फ्लो करते रहता है और हम उसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ फ्लो आप देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे दो टाइप के फ्लो देख रहे होंगे, एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। तो कौन सा इसमें से रियल फ्लो है और कौन सा इसमें से मनी फ्लो है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले देखिए कि जब फर्म ने हमें कुछ फैक्टर पेमेंट दिया तो ये है मनी फ्लो, और फिर हमने क्या किया, इसी पैसे को फिर से फर्म को दिया, यानी कि यहां है ना, हम भी पेमेंट कर रहे हैं फर्म को, तो ये पैसे की फ्लो हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। और रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, रियल फ्लो का मतलब है जो सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज या फिर सॉरी गुड्स और सर्विसेज जो हम और फर्म एक्सचेंज करते हैं आपस में, उसे हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। तो इसके डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है, ये है, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो किसे कहते हैं, जिसमें मनी एक्सचेंज होता है किसके बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है, तो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है और मनी फ्लो में मनी एक्सचेंज होता है। फिर तीसरी जो पॉइंट है, डिफिकल्टीज इन बटर सिस्टम। तो बटर सिस्टम के बारे में आपको बता दूं कि पहले जमाने में हम क्या क्या करते थे, सामान के बदले सामान दिया करते थे, तो उसे हम लोग बटर सिस्टम कहते थे। तो बटर सिस्टम का प्रॉब्लम यहाँ पे मनी फ्लो में हो सकता है, लेकिन रियल फ्लो में हो सकता है, लेकिन मनी फ्लो में उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो ये तो है हमारा छोटा सा टॉपिक, एक और आखिरी टॉपिक रह गया, चलिए उसे भी फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप फटाफट नोट कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक और फ्लो। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक टैप है, यानी कि नलका है, और यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है और वो बकेट में स्टोर हो रहा है।
तो यहाँ पे जितना भी ये जमा हो चुका है वाटर, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक, और जो चीज़ बह रही है उसे हम लोग कहते हैं फ्लो। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है डिफरेंस। तो स्टॉक को हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, यानी कि अब भी बोलो तो अब भी मेजर हो जाएगा। और फ्लो, फ्लो जो है ना वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है, यानी कि एक दिन में हो सकता है, एक वीक में हो सकता है, यानी कि एक ईयर में हो सकता है, ऐसे कोई एक लंबे टाइम पीरियड पे हो सकता है कि इस समय से लेके उस समय तक। लेकिन स्टॉक क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, इसका जो डायमेंशन है वो टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये टाइम डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ना, ये कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है, इसलिए इसका पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। और ये जो है ना एक टाइम से लेके एक टाइम तक होता है, इसीलिए इसे टाइम डायमेंशन के हिसाब से बनाया गया है। जो स्टॉक है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है, और जो फ्लो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से डिफरेंस देने की कोशिश करता हूँ, वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, अभी अगर आपको काउंट करने को बोले तो आप काउंट कर सकते हो एट प्रेजेंट कि टोटल नंबर ऑफ कार, मारुति कार दिल्ली में कितनी है, वो आप बहुत बता सकते हो। लेकिन अगर फ्लो के बारे में बताए तो फ्लो में क्या होगा, मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2018, यानी कि एक महीने के दौरान कितने कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। तो छोटा सा चैप्टर था, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। समझ में आए, पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए चैप्टर को लेकर इकोनॉमिक्स से, जिसमें से प्रैक्टिकल सारे डिटेल में करवाऊंगा संदीप गर्ग बुक से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।